हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको SBI बैंक का जो कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म होता है वो मैं आपको फिल करके बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। सो ये देख सकते हैं, जैसा कि मेरे पास अभी कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म है अवेलेबल। सो यही है SBI का कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म। ये फॉर्म फ्रेंड्स एक है, लेकिन इसके यूजेस बहुत सारे हैं। अब क्या क्या यूज है, इसके 8-9 यूज है। अगर आपको SBI बैंक में कुछ भी अगर ऐड करना होता है या कुछ नया चीज़ लेना होता है तो उसके लिए आपको अप्लाई करना होता है, फॉर्म फिल करना होता है। उसमें बहुत सारा चीज़ आप SBI अकाउंट में चेंजेज कर सकते हैं इस फॉर्म को फिल करने के बाद। तो क्या क्या चेंजेज हो सकता है आपके अकाउंट में, वो मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। सो वीडियो पे आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहें, और चैनल पे हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले इस फॉर्म पे बैंक का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, SBI लिख देना है। इस साइड आने पे आपको डेट का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे डेट आपको लिखना है। जिस भी डेट पे आप लोग इस फॉर्म को जा रहे हो बैंक में जमा करने के लिए, उस दिन का यहाँ पे डेट लिखें। यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट एप्लीकेंट नेम लिख देना है, और सेकेंड एप्लीकेंट नेम में क्या करना है ना, जिनका जिस पर्सन का ज्वाइंट अकाउंट होता है अगर, तो यहाँ पे आपको ज्वाइंट अकाउंट है तो 2 पर्सन का वो अकाउंट होता है, तो यहाँ पे सेकेंड पर्सन का यहाँ पे नाम लिखना है। अगर किसी व्यक्ति का ज्वाइंट अकाउंट नहीं है, ठीक है, तो वो यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देंगे, यहाँ पे उन्हें कुछ नहीं लिखना है। नीचे आने पे आपको अकाउंट नंबर का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे अकाउंट नंबर पे आपको पासबुक पे से देख करके ध्यान से यहाँ पे फिल कर देना है। नेक्स्ट है मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर जो भी आपका बैंक अकाउंट से लिंक हो वो आप यहाँ पे फिल कर दें। नीचे आने पे ये कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया, काइंडली फिल ओनली दोज बॉक्सेस वेयर इन्फॉर्मेशन इज टू बी एडेड और अपडेटेड। बोला जा रहा है कि यहाँ पे बहुत सारा बॉक्सेस दिया गया, जैसा कि आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पे बहुत सारा बॉक्सेस दिया गया, पीछे की तरफ भी है, यहाँ पे पीछे पलटेंगे अगर तो पीछे भी बहुत सारा बॉक्सेस है। तो इन सभी में बोला जा रहा है आपको सबसे पहले कि काइंडली आप लोग कृपया करके उन्हीं बॉक्सों में टिक करें जिस बॉक्सेस में आपको लगता है कि ज़रूरत है, जो बॉक्सेस आपके लिए यूज का हो। जैसा कि पहले ही मैंने आपको बताया था इंट्रो के वक्त है कि ये फॉर्म एक है लेकिन इसके यूजेस बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यूजेस इसके बता देता हूँ, कितने सारे यूज है, फिर मैं आपको इसे फिल कैसे किया जाता है वो मैं बताऊँगा। तो यूज देख सकते हैं यहाँ पे, सबसे पहले ऐड और अपडेट पर्सनल डिटेल्स। अगर किसी व्यक्ति को अपना पर्सनल डिटेल ऐड करना है बैंक में, अगर ऐड पहले से नहीं है, नया पहली बार ऐड करना है तो ऐड करेंगे, और अपडेट मतलब होता है कि पहले से ऐड है और नया फिर से दूसरा कुछ ऐड करना है, दूसरा जैसे कि अपडेट KYC ID टाइप, पैन नंबर नया बना, आधार बना, तो वो अगर दूसरा ऐड करना चाहते हैं तो अपडेट पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन आपको दिया गया अपडेट KYC ID टाइप, ये सब आप अपडेट करना अगर आपको है या फिर ऐड करना चाहते हैं नया, तो यहाँ पे आप टिक करें। जैसे किसी को अगर पैन अपना अपडेट करना है या फिर ऐड करना है तो पैन पे टिक करेगा, आधार करना है तो आधार पे, या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट या वोटर ID या फिर और भी कुछ जो भी है इसमें, इसी तरह से अगर जो भी चीज़ आपको ऐड करना है उस पर सिंपली आपको टिक आउट कर देना, बाद बाकी को कुछ नहीं करना, फेस चेंज करना तो परमानेंट पे टिक करेंगे कुछ इस तरह से ऐसे। और यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे अपना एड्रेस नया है ना। अब नीचे आप आने पे आपको देख सकते हैं डॉक्यूमेंट टाइप पैन आधार ड्राइविंग लाइसेंस जो भी हो आप वो यहाँ पे फिल करें। मैंडेटरी फॉर परमानेंट एड्रेस चेंज, अगर आपको परमानेंट एड्रेस चेंज करना है तो फिर ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी होती है। जैसे कि यहाँ पे परमानेंट पे मैंने टिक किया था, तो ये मैंडेटरी है अगर परमानेंट एड्रेस चेंज कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें फिल करनी होती हैं। उसके बाद अदर अकाउंट और CIF मॉडिफिकेशन, ये सब चीज़ें आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे से, ट्रांसफ़र करना है अकाउंट, CIF, बोथ टू ब्रांच नेम, ब्रांच कोड, ये सब आपको अगर करना है चेंजेस तो यहाँ पे आप टिक करके कर सकते हैं। इस साइड अगर पलटे तो यहाँ तक मैंने 3 यूजेस बताए इसके, ये पर्सनल डिटेल, ये तो एड्रेस चेंज के लिए है, और यहाँ पे अदर और अदर अकाउंट और CIF नोटिफिकेशन के लिए। अब इस साइड आने पे आप देख सकते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट और PPF अकाउंट रिलेटेड सर्विसेज, इससे आपको रिलेटेड करना है तो इस पे आपको इस वाले पोर्शन में टिक लगाना है। अदर अकाउंट रिलेटेड सर्विसेज, यहाँ पे कुछ और भी अकाउंट से रिलेटेड सर्विस दिए गए हैं तो यहाँ पे आप लोग इसे फिल करें और जो भी जरूरत हो उस पे टिक करें। नॉमिनेशन में आपको क्या करना है, जो भी आपने नॉमिनेशन में ऐड किया होगा वो यहाँ पे पढ़ के आपको जो भी चीज़ में
अपडेट करना है, जैसे कि देख सकते हैं नॉमिनेशन टू बी मॉडिफाइड इन माय अकाउंट मेंशन्ड एबव। नॉमिनी जैसे कि ऐड करते हैं ना हम लोग जब अकाउंट ओपन करते हैं, तो आपको क्या करना है, न्यू ऐड करना है तो न्यू पे, या फिर चेंज करना है तो चेंज पे, या फिर डिलीट करना है, किसी को नॉमिनी नहीं रखना है तो डिलीट पे। फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि DA-1 फॉर्म आपको न्यू नॉमिनेशन के लिए जमा करना होगा, DA-2 आपको नॉमिनेशन को डिलीट करने के लिए जमा करना होगा, और DA-3 एक फॉर्म आता है वो आपको चेंज नॉमिनेशन अगर करना है तो उसके लिए आपको जमा करना होता है। तो DA-1, DA-2 और DA-3 फॉर्म होते हैं ये नॉमिनी को चेंज करने के लिए या न्यू के लिए या फिर डिलीट करने के लिए। एफिलिएटेड सर्विसेज, और भी कुछ यहाँ पे सर्विसेज दिया गया, इससे रिलेटेड आपको वर्क हो तो इस पे आप क्लिक करें। और चेक रिलेटेड सर्विसेज यानी कि चेक से रिलेटेड अगर कोई आपको इशू आ रहा है अपने अकाउंट में तो आप चेक रिलेटेड सर्विसेज पे देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ दिया गया, ये आप यहाँ से टिक आउट करें। एंड फाइनली आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड सर्विसेज देखने का ऑप्शन मिलता है। सो सबसे ज़्यादा लोग जो है इस फॉर्म का यूज डेबिट कार्ड का यूज करने के लिए, लेने के लिए, न्यू डेबिट कार्ड लेने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे ATM कार्ड इशू का ऑप्शन मिलता है, अगर आप न्यू ATM कार्ड लेना चाहते हैं तो न्यू वाले पे टिक करें, और रिप्लेस करना चाहते हैं अपने ATM कार्ड को तो रिप्लेस पे टिक करें। यहाँ पे एड्रेस टू बी डिलीवर टू, अगर आप अपना ATM कार्ड जो है वो परमानेंट एड्रेस पे चाहते हैं डिलीवर होते हो परमानेंट पे, और कॉरेस्पॉन्डेंस पे चाहते हो कॉरेस्पॉन्डेंस पे टिक कर दें। यहाँ पे नेम ऑन कार्ड का ऑप्शन मिलता है, यहाँ जो भी आप अपना नाम चाहते हैं कार्ड पे हो वो आप यहाँ पे लिख दें। सो आपको मैंने ये फॉर्म फिल करके बता दिया है, सो इसी तरह से आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म को भरते वक्त सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ पे आपको यूज़ लगे वहीं पे सिर्फ टिक लगाएं। जैसे मुझे डेबिट कार्ड सर्विसेज़ में यूज़ था तो मैंने सिर्फ यहीं पे टिक लगाया, बाद बाकी जगहों पे मैंने कहीं भी टिक कोई भी नहीं लगाया है। सो आपको भी इसी तरह से जहाँ पे लगे सिर्फ आपको यूज़, जो भी आपके लिए जो भी ब्लैंक यूजफुल लगे सिर्फ वहीं पे आपको टिक करना है, बाद बाकी जगहों को पूरा का पूरा आपको ब्लैंक छोड़ देना है, कहीं पे भी कोई टिक नहीं करना है। सो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए यूजफुल हो। अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल होता है तो आप इस वीडियो पे एक लाइक करें, और चैनल पर मान नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।